एक सोसाइटी होती है, फिर सोसाइटी में रहने के तौर तरीके होते हैं, उनके कानून होते हैं, ठीक सही। यानी जब एक बंदा एक सोसाइटी में रहता है तो उसके पड़ोसी होते हैं, उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब आप आस पास रह रहे होते हैं, तो उनसे मेल जोल, उनसे किस तरह मिलना है, उनका फिर एक दूसरे के हुकूक एक दूसरे पे वाजिब हो जाते हैं। सही, मसलन मेरे पड़ोसी, उनके मुझ पर वाजिब है कि मैं अपने पड़ोसियों का ख्याल रखूं, ठीक, मैं देखूं कि वो भूखे तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक, अगर उनको उनके घर कोई मरीज है तो मैं उनकी इयादत के लिए जाऊं, ठीक, अगर कोई परेशान है तो उनकी परेशानी को जितना मेरी ताकत में है मैं उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूं, ये सब हुकूक में आ जाते हैं, ठीक। फिर खुद घर में माँ बाप के हुकूक, बहन भाई के हुकूक, ठीक, इस तरह से इन हुकूक को अदा करने की ज़रूरत है, ये सब आदाब माशरत में आते हैं, ठीक। तीसरा फिर उस्ताद और शागिर्द, ये दोनों के आपस के हुकूक होते हैं, ठीक। उस्ताद, कुछ हुकूक उस्ताद के उस्ताद पर वाजिब है, कुछ हुकूक शागिर्द पे वाजिब है, ठीक। अगर ऐसा ना किया जाए, ठीक, आज अगर हम अपने माशरे को देखें तो क्यों बिगाड़े, सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये क्या है कि एक दूसरे के हुकूक को अदा नहीं किया जा रहा, ठीक, एक दूसरे के हुकूक का अदा नहीं किया जा रहा, बल्कि सब अपने हुकूक का मुतालबा तो कर रहे हैं कि हमें हक नहीं मिल रहा, हमें हक नहीं मिल रहा, लेकिन हम अपना खुद से कोई हक अदा, दूसरों का हक अदा भी नहीं कर रहे, ठीक। यानी ये चीज दो तरफ है, यानी मैं किसी का हक अदा करूंगा तो वो भी यकीनन यकीनन मेरा हक अदा करेगा, ठीक। यानी अगर मैं मसलन एक मिसाल दूं, अपने एक दोस्त से अच्छे से मिलूंगा तो वो भी मुझसे अच्छे से मिलेगा, ठीक, मैं उसके हुकूक अदा करूंगा तो वो भी मेरे हुकूक अदा करे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उससे तो हक का मुतालबा करूं लेकिन मैं उससे उसके हक अदा ना करूं, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, एक नुक्ता बहुत अहम आया था, वो फरोए दीन में आया था, ठीक। फरोए दीन में हमने ये बार बार तकरार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अहम है, ठीक। फरोए दीन में आया था कि जैसा पैगंबर ने और आइमा मासूमीन ने हमें बताया है, हमें वैसे ही अमल करना है फरोए दीन में, ठीक। मसलन नमाज जिस तरह उन्होंने हमें बताई है हम वैसे ही पढ़ेंगे, जिस तरह उन्होंने हमें रोजा बताया हम वैसे ही पढ़ेंगे, फिर अगर हम अपनी तरफ से उसमें कुछ इजाफा करते हैं या कमी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बिद्दत, ठीक, उसको क्या कहते हैं, बिद्दत, और वो इस्लाम में हराम है, ठीक। इसी तरह से सिर्फ ये ही नहीं, नमाज रोजा जो ज़कात अज़ादारी भी, ठीक, जिस तरह आइमा मासूमी ने अज़ादारी की है और जिस तरह हमें बताई है हम वैसे ही अज़ादारी करेंगे, उसमें हम अपनी तरफ से ना इजाफा करेंगे ना कमी करेंगे, ठीक, वरना वो किस में शुमार हो जाएगा, उसका बिदअत में, और बिदअत इस्लाम में हराम है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम उस बाइसा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक। उसूल दीन का पहला जो और बुनियादी नुक्ता है वो क्या था, तौहीद, ठीक। थोड़ा सा अकीदा तौहीद के मुताबिक पढ़ लेते हैं, ये बहुत मुफस्सिल टॉपिक है, ठीक, आसान नहीं है इसको समझना और इसको पढ़ना, ठीक, लेकिन हमें अपने इस्तेताद के मुताबिक थोड़ा सा इसको जानने की जरूरत है, ठीक। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक। अकीदे तौहीद, आसमान हर दौर के इंसान के लिए दिलचस्पी और हैरानी का सबब रहा है, ठीक। इंसान जब सूरज चांद और सितारों का मुशाहिदा करता है तो हैरान रह जाता है, फिर जब साइंस की मदद से निजामे शमसी की हकीकत उसके सामने आती है तो उसकी हैरानी में और इजाफा होता है। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किसी तरह चांद जमीन के गिर्द और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। यही नहीं, निजामे शमसी के तमाम सैयारे अपने अपने सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और इस कायनात में सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं बल्कि करोड़ों सूरज हैं। इतनी वसीव और अरीज कायनात किस तरह वजूद में आई?
ठीक, ये एक सबसे पहला सवाल इंसान के जहन में उठता है। ठीक, अभी यहाँ सबसे पहले मुझे तो बताएं कि आवाज क्लियर है, और अब तक किसी को कोई सवाल, कोई मुश्किल कोई हो तो मुझे बताएं। ठीक, पूरी पूरी स्क्रीन खोल रहे हैं, ठीक। अगर किसी को कोई सवाल है, कोई मुश्किल है तो वहाँ का विलायत अली इस चैप्टर के अलावा, ठीक, पिछले चैप्टर से अगर किसी को कोई सवाल है, कोई मुश्किल है तो वो बताएं। आ गए विलायत, आ गए विलायत खुजा रस्ती। सर, हम ठीक, ना आज ना हमारे घर पे ना लाइट नहीं थी, जब हमने ना लेट ज्वाइन करा था। सर कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, अभी आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक, चैप्टर के हवाले से, ठीक, जो अब जब तक हमने पढ़ा है उसके मुताबिक किसी को सवाल, क्योंकि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पहला। नहीं, आ गए अजान अली जी। क्या सर इखलाक समझा दें एक दफा। समझा दूं? इखलाक समझा दूं यस सर। जी? समझा देते, सलाम। इसके अलावा शायान हैदर, सर वो आदाब माशरत। आदाब माशरत, आप अभी हैं? ठीक, नहीं सर हम थे, लेकिन सर आदाब माशरत से समझ नहीं आया। आज भी और कल भी और परसों भी थोड़ा सा इसके बारे में गुफ्तगू हो चुकी है। ठीक है, खैर चलो, मैं अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। शबी अब्बास सर आदाब माशरत ही थोड़ा समझा दें। जी, और किसी को? मोहम्मद अली, आगे मोहम्मद अली, ये तस्वीर जो आपने लगाई हुई है ये इसको चेंज करना, ठीक है, या तो बिल्कुल ना लगाएं या तो इसको हटा। मोहम्मद अली, कोई सवाल है? आ गए मोहम्मद असगर, मोहम्मद सर असगर मामला कर समझा दे। जी। ठीक, और जरिया पास, आ गए जरिया पास, अदाबे माशरत समझा ठीक है, दे। ठीक है, ठीक। मिनहाज हुसैन, मिनहाज हुसैन, कोई सवाल? जवार हुसैन, सर हम आज न्यू स्टूडेंट है, हम अभी तक ना ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए। सर अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट है तो आपकी पिछली क्लासेस जो रह गई हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी यूट्यूब पे, वो आप वहाँ पे बाद से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप आज यहाँ से कंटिन्यू करें। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं, अभी वीडियो भी रुकें। ठीक है, इखलाक, इखलाक हमने बताया था कि इखलाक आदत को कहते हैं। ठीक, आदतें, हमारी आदतें, ठीक, वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। ठीक, हमारा यानी बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, फिरने का तरीका, सही, एक दूसरे से मिलने का तरीका। ठीक, जो अच्छे अखलाक वाला होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक दूसरे से जब मिलता है तो वो सलाम करता है किसी को, सही, वो ये नहीं देखता है कि छोटा है या बड़ा है। ठीक, अगर छोटा है तो मैं इसको सलाम क्यों करूं, ये फिर किस में आ जाएगा, बुरे अखलाक में आ जाएगा। ठीक, खाने के, जब खाना खाने बैठते हैं तो उसके कुछ आदाब हैं, कुछ तरीके हैं, उसको अगर अगर हम फॉलो करेंगे, अच्छे तरीकों से खाना खाएंगे तो वो क्या कहा जाएगा कि ये अच्छे अखलाक, इसका अच्छा अखलाक है। ठीक, सही, हर यानी हर अच्छी खूबियों को अपनाने को इखलाक हसना कहते हैं, यानी अच्छे अखलाक को अखलाक हसना कहते हैं, और जो भी उसको अपनाएगा वो माशरे में एक अच्छा इंसान कहलाएगा। ठीक, और इसी तरह इसी के मुकाबले में बुरी आदतें भी होती हैं, मसलन नाखून काटना, ठीक, और दांतों से नाखून काटना,
शैतानी करना, बदतमीजी करना, जबान दराजी करना, ठीक, एक दूसरे का लिहाज ना करना, ठीक, और इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हम अपने माशरे में देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इखलाक रजीला या बुरे अखलाक, ठीक, इखलाक रजीला या बुरे अखलाक, जिसको जिससे हम जिससे हमें दूर होना है, ठीक। और उसका आसान तरीका क्या है? जिस तरह हम अच्छे अखलाक अपनाएंगे तो खुद ब खुद बुराइयों से दूर होते चले जाएंगे, ठीक। मामलात, मामलात का बताया कि मामला यानी एक शख्स या दो शख्स के दरमियान, एक एक शख्स और दो शख्स, दूसरा शख्स या उससे ज्यादा के दरमियान कोई मामला हो। मसलन मैंने कल मिसाल दी थी कर्ज की, ठीक, मसलन मुझे किसी से कर्ज लेना है 1,000 रुपये, तो हेलो माजरत, नेट का इशू हो गया था इसलिए चला गया था। म्यूट कर लें अपने माइक, म्यूट कर लें और गौर से सुने, ठीक ठीक मामला बता रहा था कि यानी दो शख्स के दरमियान कर्ज का मामला हो या खरीदो फरोख का मामला हो तो उसके बारे में इस्लाम ने कहा है कि एक लिख लो, ठीक, ताकि आगे जाके परेशानी ना हो। मसलन मुझे जरूरत पड़ गई, मुझे अपने एक दोस्त से कर्ज लेना था, मैंने दोस्त से कर्ज ले लिया, ठीक, और जबानी तौर पे सिर्फ एक मैंने मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मुझे 1 हफ्ते बाद दे देना, कोई मसला नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो और भाई हो, और ये करके उसने मुझे 1,000 रुपये दिए और कहा कि मुझे मसला नहीं, तुम अभी जरूरत नहीं, तुम 1 हफ्ते बाद दे देना, सही है, ये जबानी बातचीत हुई हमारे बीच। लेकिन दूसरे दिन से ही उसका, मेरे दोस्त का फोन आने लगा, भाई मेरे पैसे खाया हुआ तू और ये वो, मेरे पैसे तो हैं, जिस तरह की बातें करने लगे। तो क्या हुआ? मसला हो गया। अब क्या हुआ? लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। तो इस्लाम ने इसके बारे में कहा कि इसको लिख लिया जाए और इसको अच्छे तरीके से मामला को देखा जाए, तो उससे परेशानी नहीं होगी, ना दोस्त को ना मुझे, माशरे में भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक। फिर आदाब माशरत के बारे में हमने बताया कि माशरा यानी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द 10, 20, 40, 50 घर मौजूद हैं, ठीक। तो फिर उसमें काफी कुछ काफी लोग रिश्तेदार भी होंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ हमसाए होंगे, ठीक। तो हमारा एक दूसरे से रोजाना एक दूसरे से ताल्लुक होता है, ठीक, मिलना जुलना होता है, तो एक दूसरे के हुकूक हम पे वाजिब हैं, वो चाहे हमसाए के हों, चाहे फिर घर में माँ बाप के हों, भाई बहन के हों, फिर बाहर रिश्तेदारों के हों, उस्ताद के हों, शागिर्द के हों, ये सब सारे हुकूक हैं जिसकी अदायगी हम पे करना वाजिब है। जब तक हम हुकूक की अदायगी नहीं करेंगे तो क्या होगा? माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, सही। जब हम हुकूक की अदायगी अदा करने लगेंगे तो खुद ब खुद माशरा जो है अच्छा चलेगा और वो माशरा तरक्की भी करेगा, सही है। अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ आते हैं, उससे पहले मैं आप लोग को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, सही है, उसको आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपना सेकंड चैप्टर जो हमने अभी रीड किया है उसके बारे में बहस करते हैं। सब लोग खामोशी से, जो ये वीडियो सिर्फ एक ही दफा चलेगी फिर दोबारा नहीं चलेगी, ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने गौर से इसको देखना है और सुनना है और समझना है। मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे निजामी शमसी में दुनिया के अलावा और कौन से सियारे मौजूद हैं? हमारे सोलर सिस्टम का मरकज जो है वो सूरज है और सारे सियारे सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। सूरज सारे सियारों से बहुत बड़ा है। सूरज भी एक सितारा है जो कि जमीन से 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है और जमीन से इतना दूर होने के बावजूद ये जमीन से नजर आने वाला सबसे बड़ा सितारा है। सूरज निजामे शमसी का सबसे बड़ा सितारा है जो कि निजामे शमसी का 99% हुजम बनाता है। ये जमीन से कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सूरज एक मर्तबान की मानिंद होता तो इसमें जमीन जितने 1 मिलियन से ज्यादा सियारे समा सकते हैं। सूरज के बगैर जमीन पे जिंदगी गुजारना नामुमकिन होता। ये ना सिर्फ हमें रोशनी मुहैया करता है बल्कि हमें हरारत भी मुहैया करता है।
सूरज एक बड़े जलते हुए बाल की मानन है जिसकी सतह हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बनी है और यहाँ पे टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। निजामी शमसी का पहला सियारा मरकरी है जिसको उर्दू जुबान में अतारद बोला जाता है। ये निजामी शमसी का सबसे छोटा सियारा है। मरकरी जमीन से कई गुना छोटा है और ये जमीन से तकरीबन 77 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये उन 5 सियारों में से एक है जिनको बगैर किसी टेलीस्कोप के जमीन से देखा जा सकता है। ये एक सितारे की तरह चमक रहा होता है। मरकरी हमारे चांद की तरह छोटा है और हवा की गैर मौजूदगी की वजह से यहाँ पे जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। इसकी सतह पथरीली है और इसकी सबसे हैरान कुन बात इसका टेम्परेचर है जो कि दिन को 427 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और रात को ये टेम्परेचर -180 डिग्री तक जा पहुंचता है। मरकरी सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला सबसे तेज तरीन सियारा है और ये तकरीबन 87 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करता है। निजामे शमसी का दूसरा सियारा वेनस है जिसको उर्दू जुबान में जोहरा कहा जाता है। ये जमीन से कम 25 मिलियन माइल्स और ज्यादा से ज्यादा 261 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका साइज और ग्रेविटी तकरीबन जमीन के साइज और ग्रेविटी के बराबर है और तभी साइंसदानों ने इसको अर्थ सिस्टर का नाम दिया है। ये निजामे शमसी का गर्म तरीन सियारा है जो कि सूरज से दूर होने के बावजूद इतना गर्म है। वीनस के गर्म होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार है। वीनस 225 दिन में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है और ये जमीन से नजर आने वाला सबसे रोशन सियारा है। जमीन निजामे शमसी का तीसरा सियारा है जो कि सूरज से तकरीबन 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। जमीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए 365.25 दिन लगते हैं। ये निजामे शमसी का वाहिद सियारा है जहां पर पानी और ऑक्सीजन मौजूद है। पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से ये इंसानों, जानवरों और परिंदों के रहने के लिए बिल्कुल मौजू है। निजामे शमसी का चौथा सियारा मार्स है जिसको उर्दू जुबान में मरीख बोला जाता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग सुर्ख है जिसकी वजह से इसको रेड प्लेनेट या सुर्ख सियारा भी कहा जाता है। मार्स जमीन और वीनस से छोटा जबकि मरकरी से बड़ा है। मार्स की सबसे दिलचस्प बात यहाँ पे ऑक्सीजन और लिक्विड आइस की मौजूदगी है। साइंसदानों का ख्याल है कि कुछ आलात के इस्तेमाल से मार्स पे जिंदगी बसर की जा सकती है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। मार्स पे टेम्परेचर तकरीबन -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मार्स जमीन से कम 77 मिलियन किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 222 मिलियन किलोमीटर दूर है। मार्स 686.93 दिन में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। मार्स साइंसदानों का सबसे पसंदीदा सियारा है और इस वक्त मार्स की सतह पर 2 रोबोट्स मौजूद है जो कि मार्स की सतह के बारे में ठीक है 12 से 13 मिनट की वीडियो है वो आप लोग देखिएगा। जो दिखाने का मकसद था वो ये था कि उसमें दिखाए गए 9 प्लैनेट्स जो कायनात में मौजूद हैं ठीक, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। जमीन जैसे कि सूरज और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले दूसरे 9 सैयारे ठीक।
जिसमें जमीन भी शामिल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से कायनात का निज़ाम चल रहा है, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, ये सब जो हमने अभी देखे सैयारे कि कुछ कितने किस कदर बड़े हैं और किसको किस कदर ठंडे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक। और फिर हमने सूरज के बारे में पढ़ा कि वो किस कदर वसी और किस कदर बड़ा है, ठीक। फिर पूरे कायनात में सिर्फ यही नहीं है बल्कि इससे भी ज़्यादा कुछ है, यानी एक कायनात में सिर्फ एक सूरज नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में सूरज मौजूद है, ठीक। करोड़ों की तादाद में सितारे मौजूद हैं और करोड़ों की तादाद में सैयारे मौजूद हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और है वो भी आप लोग को कल क्लास के आगाज में दिखाई जाए, ठीक। दिखाने का मकसद था कि जो निज़ाम में शमसी चल रहा है और ये जो वजूद में आया है, क्या ये सब कुछ ऐसे ही वजूद में आ गया, ठीक। अगर हम सूरज को देखते हैं या जमीन को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो हमें क्या जहन में सवाल आता है कि क्या इसका कोई बनाने वाला नहीं है, यही खुद ब खुद वजूद में आ गया है, ठीक। अब आपकी किताब में जो एक मिसाल दी गई है कि एक काफिर साइंसदान था और एक मुसलमान साइंसदान था, ठीक। जो मुसलमान साइंसदान था उसके घर में कमरे में एक टेबल पे यही जो सोलर सिस्टम है इसका प्रोजेक्ट बना हुआ था, ठीक। यानी गत्ते से और उससे बॉल्स वगैरह रख के सूरज जमीन और सारा चांद सितारे करके उसने पूरा सोलर सिस्टम का नक्शा बनाया हुआ था। तो ये जो काफिर साइंसदान होता है ये कमरे में दाखिल होता है अपने दोस्त के, ना। तो वो जब ये सिस्टम देखता है तो वो सिस्टम देखते ही पूछता है अपने दोस्त से ये किसने बनाया है, ठीक। तो जो मुसलमान दोस्त होता है वो ये कहता है कि ये किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद वजूद में आ गया, ठीक। तो जो काफिर दोस्त होता है तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, बगैर किसी बनाने वाले के बन ही नहीं सकता, सही। यानी किसी ने इसको बनाया होगा, किसी ने इसके ऊपर पेंट किया होगा, किसी ने इसको चिपकाया होगा, यानी बॉल्स को गत्ते पे, थर्मापोल पे, जिस तरह से हम स्कूल में अपने साइंस एग्जीबिशन में जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक। इसी तरह से वो सोलर सिस्टम बना हुआ था। तो जो काफिर होता है वो कहता है कि मुमकिन नहीं है ये खुद ब खुद बन जाए। तो मुसलमान कहता है कि नहीं, ये खुद ब खुद ही बना है, जब मैं आया हूँ तो ये ऐसे ही बना हुआ रखा हुआ था। तो काफिर कहता है नहीं, मैं नहीं मान सकता, है मुमकिन नहीं है, बगैर किसी बनाने वाले के ये बन ही नहीं सकता, ठीक। फिर तब जाके वो एक जो मुसलमान होता है वो ये कहता है कि ये एक प्रोजेक्ट है मामूली सा जो किसी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकता, ठीक। तो ये जो हकीकत में सूरज है, हकीकत में चांद है, हकीकत में सितारे हैं, हकीकत में जमीन है, ये कैसे वजूद में आ गई? यकीनन इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला मौजूद है, ठीक। जब हम अपने इर्द गिर्द सारी चीजों को देखते हैं, सिर्फ अभी तो हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा कायनात में बहुत सी, खुद हम अपने आप को भी देखें एक मरतबा, अगर हम अपने आप को देखें, हमारे हाथ, पांव, आंखें, जबान, कान, फिर अंदरूनी निजाम, अंदरूनी निजाम यानी हमारे दिल का निजाम, ठीक, सांस लेने का निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स जो है, अगर हम इस पे गौर व फिक्र करें तो हमें हैरानगी होगी, ठीक। और आज तक बशर बशर इंसानी और उसकी अकलें हैरान कन है कि आखिर ये किस तरह वजूद में आई और इसका बनाने वाला ने इसको किस तरह से बनाया है, ठीक। और ये खुद ब खुद तो वजूद में नहीं आई, ठीक, मुमकिन नहीं है कि एक चीज़ खुद ब खुद वजूद में आ जाए, बल्कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई मौजूद है, ठीक। इसके अलावा दूसरी दलील, ये तो साबित हो गया कि खुदा है, ठीक। अब खुदा को एक मानना भी जरूरी है, ठीक, उसका कोई शरीक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला, ठीक। खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, ठीक, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा। अगर हम ऐसा कर देंगे नाउजु बिल्ला तो क्या हो जाएगा? शिर्क, ठीक। और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसके माफी नहीं है किसी भी सूरत में। मुमकिन है बहुत से गुनाह बख्श दिए जाए, लेकिन सिर्फ एक शिर्क ऐसा गुनाह है जो नहीं बख्शा जाएगा और इंसान जहन्नुम में जाएगा, ठीक। तो इसकी दलील क्या है कि खुदा एक है? खुदा एक है यानी आसान सी बात है, जब हमने कायनात को देखा, कायनात को निजाम को देखा, तो हमारे समझ में आया कि इसके बनाने वाला कोई ना कोई मौजूद है और वही खुदा है, ठीक। अब अगर दो खुदा होते या तीन खुदा होते या चार खुदा होते,
तो वो भी अपनी अपनी कायनात बनाते हैं, ठीक, फिर वो भी अपने अपने सूरज बनाते हैं, अपने अपने चांद बनाते हैं, अपने सितारे बनाते हैं, फिर एक अलग ही निज़ाम चल रहा होता, ठीक। फिर वो दो, अगर दो खुदा होते तो दोनों में लड़ाई हो जाती है कि नहीं मैं तो दिन करूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं तो रात करूंगा, एक कहता है मैं बारिश करूंगा तो दूसरा बोलता है नहीं मैं तो बर्फबारी करूंगा, ठीक। इस तरह से फिर आपस में खुदाओं में लड़ाई हो जाती है और फड्डा हो जाता है और फिर एक दूसरे को मार देते हैं। तो क्या सब बात समझ में आई कि कायनात का खुदा एक है, ठीक, और उसका कोई शरीक नहीं है। फिर दूसरी दलील क्या है, बहुत आसान सी दलील, कायनात में अंबिया है, ठीक, 1,24,000 अंबिया है, हजरत आदम से लेके खातम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद तक अंबियाओं का सिलसिला जारी रहा। अगर दूसरा खुदा होता तो क्या होता, वो भी अंबियाओं को भेजता, ठीक, उसके भी नबी आते, वो भी नबी भेजता। तो क्या हुआ कि एक ही सिलसिला आया और सारे अंबिया ने एक ही खुदा की तरफ दावत दी, तो इस बात से भी साबित होता है कि खुदा एक है, ठीक। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम तमाम हो गया है, आज थोड़ी मुश्किलात आई हैं, इंशाल्लाह आगे से ऐसा नहीं होगा, और खैर इस तरह से मुश्किलात आती हैं जब ये हम सोशल मीडिया पे इस तरह से क्लासेस का आगाज करते हैं। कुंभ में जब मैं अपनी क्लासेस लेता था तो इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा मुश्किल आया करती थी, ठीक। तो आप लोग परेशान ना हो और इसी तरह पढ़ते रहें, और उसको ये जो पढ़ाया जाता है इसको घर में ज़रूर मुताला करें, और कल से इंशाल्लाह मैं आप लोग को कुछ ना कुछ छोटा मोटा होमवर्क भी दूंगा जिसको आप लोग ने करना होगा, आज तो नहीं। और फिर कल ये वीडियो से हम क्लास का दोबारा से आगाज करेंगे, इस वीडियो को दोबारा से चला दिया जाएगा, ठीक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और इसको ये जो अब तक हमने पढ़ लिया इसको पढ़ लीजिएगा, कल मैं आप लोग से क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, ठीक। अभी आपसे ये सर कुछ किरमान अब्बास जी, 1 मिनट जी बोलिए किरमान अब्बास। तो सर ये आदाब माशरत में लाइन नंबर 8 पे जो माशरती हकीकियत है इसके मतलब क्या है? आदाब किसमें आदाब माशरत में? माशरत में लाइन नंबर 8 माशरती हकीकियत। माशरती हसीसियत हाय क्या बोल रहे हैं, कौन सी लाइन नंबर है? 8 हसीयत। हैसियत, माशरती हैसियत, माशरती हैसियत यानी मसलन आप एक मर्द हैं, ठीक, लड़के हैं, ठीक, अभी आप एक बेटे भी हैं, ठीक, किसी के भाई भी हैं, किसी के कजन भी हैं, किसी के दोस्त भी हैं, तो ये क्या है, ये सारी माशरती हैसियतें हैं इंसान की, ठीक जी। बाकी इंशाल्लाह कल मज़ीद तफसीली बात होगी, अभी आपसे सर कुछ कह रहे हैं वो सुन लें गौर से, फिर हम दुआ पढ़ के क्लास का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप सबको? जैसा कि आप सबको पता है कि ये क्लासेस सब रमजान के लिए होती हैं, तो संडे को ऑफ नहीं होगा, जो बच्चे नहीं हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कल ऑफ नहीं है। सुबह 21 रमजान शहादत इमाम अली अलैहि सलाम पे ऑफ होती है, उसके अलावा ऑफ नहीं है। सेकेंड ये कि आज आपकी क्लास 2 से 3 बार बंद हो गई थी बीच में, तो उसके लिए हम बहुत माजत ख्वाह हैं, और इंशाल्लाह कल से ये मसला बिल्कुल नहीं होगा। और बाकी आपको जितने भी अभी क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो अभी तो आपका काफ़ी टाइम ज़्यादा 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो क्वेश्चंस आपके कल जो हैं सर कल ले लेंगे। बाकी यही मुझे बताना था, इम्तियाज़ अली अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। सर अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस की फिक्र नहीं करें, जिन जो 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 यहाँ प्रेजेंट है उन सबकी अटेंडेंस लग चुकी है। तो सर आप आपसे दुआ इमाम ज़माना पढ़ाएंगे। अच्छा, जिन जिन के अटेंडेंस अभी भी जिन्होंने नहीं लगाई है वो अपनी अटेंडेंस भेज दें, 2 लंबा नाम और क्लास के साथ अपने
ठीक। बाकी अगर किसी को कोई सवाल होता है, कोई इश्यू होता है, कुछ बात समझ नहीं आती, तो ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, ठीक, अदब और कायदे के साथ। तंग नहीं करना है, सवाल करना है और मालूमात के लिए पूछना है, ठीक। चले सही है, बस दुआ पढ़ेंगे सब, ठीक है। وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. अच्छा बच्चों, ये जो जिन लोगों ने अपने नाम नहीं लिखे हुए, इनफिनिक्स X5 आ रहा है, इसको हटा के अपना नाम लिखें, ठीक। तमाम बच्चे अपने नाम को शो कराएं।